हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम ड्यूटी से आए थे 8 बजे, बहुत पहले ही आए थे। तो उनको झींगा मछली खाने का मन था, तो झींगा मछली लेने गए, चिंगड़ी मछली लेने गए, वो मिला नहीं। तो फिर हम चिकन लेके आए, चिकन लेके आए। उसके बाद हमको नाश्ता भी बनाना था, अपने लिए भी, उसके लिए भी बनाना था। तो वो रात में हमको बोली थी पूड़ी और सूजी हमको खाना है, और हमको भुजिया भी खाना था। तो हम भुजिया बनाए हैं और सूजी बनाएंगे, हाँ भुजिया और सूजी बनाएंगे। पूड़ी हमको बनाना था तो हम बना लिए, मेरा हाथ पूरा गंदा हो गया है। तो हम पूड़ी बनाना था, पूड़ी बना लिए हैं। पूड़ी कहीं वो थोड़ा टफ हम लगता, तो पूड़ी हम बना लिए हैं। अब भुजिया और सूजी रह गया, तो दोनों आइटम बनाएंगे, उसके बाद नहाने जाएंगे, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद हम तो सो जाएंगे। उसके बाद वो चिकन बनाएगी, तो उसका वीडियो अपलोड कर देगी अपने से बना के अपने हिसाब से। तो हम अपना बना लिए, उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि मेरे रात में फिर नाइट ड्यूटी है। तो अभी हम बनाना सोना, वैसे ही हम लेट हो चुके हैं। तो अभी हम पूड़ी वूड़ी दिखाते हैं कैसा बना कैसा नहीं, उसके बाद बाकी सामान बनाएंगे तो वो दिखाएंगे। ये पूड़ी बनाई, आटा वाटा मारे थे तो बर्तन गंदा हो गया, बेसन वेसन पूरा फ्लोर भी गंदा हो गया है। और ये पूड़ी है, पूरी ठीक ठाक ही बनाया है, इसमें पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ बच गया था तो बर्तन उसमें जगह नहीं हो रहा था तो इसमें डाल दिया। अतः बिल सब है ही। अब इसमें ये चिकन लेके आए हैं, तो चिकन उठेगी तो चिकन बनाएगी। तो बाकी अब हम इसको पानी तेल को खाली करके इसमें भुजिया बनाएंगे। अब पैन में हम बनाएंगे सूजी उसके लिए, जो खाएगी, बाकी उसके बाद वो उठेगी तो उसके बाद वो अपना बनाएगी कैसे कैसे बनाना है। तो हम उसको बोल देंगे कि रेसिपी तो दिखा देने व्यूअर्स लोग को। इसमें सूजी रोस्ट कर रहे हैं, सूजी उसके लिए बना रहे हैं। इसमें आलू भुजिया खाएगी तो थोड़ा खा लेगी, और हम अपने लिए पूरी किस्म थोड़ा चलाता है। ये आलू भुजिया इसमें बन रहा है, और इसमें सूजी बन रहा है, सूजी रोस्ट हो रहा है, हल्का हल्का रोस्ट हो गया है, ठीक है। तो अब बाकी बना आलू को भुजिया में मसाला वसाला सब डाल के रेडी है। अब मसाला क्या, लाल मिर्च और हल्दी डाले हैं और नमक डाले हैं बस। ये आलू भुजिया है, ये सूजी भी थोड़ा रेडी होने को तैयार है, उबल गया है तो उबल गया, सूजी भी रेडी है, आलू को भुजिया भी रेडी ही है। उसके बाद अब हम खाएंगे, फिर नहाएंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। ये पूरा खाना रेडी है, इसको भी उठा दिए, अभी सो के उठी है। क्या बुरा बैक बैक कर रहा है। तुम्हारा सूजी है, मेरा अच्छा बना लेता है, लेकिन बोलता है हमको नहीं आता। क्यों बोलता है? क्योंकि करना ना पड़े। सही पकड़ी, ऐसा नहीं हमको आता ही नहीं, तो कोई और आता नहीं है। देखो ये, देखो ये सब फुलर फुलर फुलौना बनाया है, सब एक रुचि है, एक भी ऐसा नहीं है फुला नहीं। आलू भुजिया भी है तो आलू भुजिया खाएगा तो आलू भुजिया भी खा लेना, और सूजी भी खा लेना, जो खाना खा लेना। उसके बाद हम सो जाएंगे, और तुम उसके बाद चिकन बनाना, फिर जब बन जाए तो हमको उठा देना, हम खा लेंगे। हेलो, ये सो रहा है। तो सो रहा है, अरे तो मिस कुमार अभी सो रहा है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन। और मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, मुझे बोला था वीडियो बनाने के लिए, और मैं भी नींद पे थी तो इसलिए वीडियो नहीं बना भाई। खैर अभी मैं बना रही हूँ वीडियो। तो चिकन मैं बना रही हूँ, चलिए वो नींद से उठता है, तब तक मैं चिकन और चावल चढ़ा दिया, तब तक मैं ये बना लेती हूँ। आप लोग देखिए, ये मैंने चिकन यहाँ पे मैरिनेट करके रख दिया था बहुत देर पहले ही, हल्दी जीरा और नमक नींबू सब देके। और उसके बाद ये आलू मैंने काट लिया है और इसको फ्राई भी कर लिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट कर लिया है, और यहाँ प्याज और गरम मसाला फ्राई हो रहा है। अभी धीरे धीरे हम बनाएंगे, आप लोग देखते रहिए। अभी गरम मसाला दिए हैं इसमें, उसके बाद हम दिए हैं प्याज, उसके बाद हम देंगे अदरक लहसुन, उसके बाद धीरे धीरे हम कभी। और ये चावल, चावल में धो के रखी थी, और यहाँ पर चावल दे देता हूँ। तो चलिए देखिए कैसे कैसे मैं चिकन बनाते हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिया है, और यहाँ पे गैस का पता नहीं भूल गई थी, चावल मैंने चढ़ा दिया है, और ये यहाँ पे प्याज ना फ्राई हो गया है। अब मैं ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको दे दूंगी। इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, और
तो इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूंगी। अब इसमें दूंगी मैं हल्दी, हल्दी में थोड़ा सा दूंगी क्योंकि हल्दी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ चिकन में पहले इसके फ्राई पर। और यहाँ मैं दूंगी लाल मिर्चा, स्वाद अनुसार। इसके बाद में दूंगी नमक, नमक मैं दे दिया। इसको कुछ देर फ्राई करना है। मसाला यहाँ पे हो गया है फ्राई, मसाला और प्याज। इसमें हम दे देंगे टमाटर, ये चला गया टमाटर। टमाटर को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर चलिए टमाटर गर्म हो जाता है तो दिखाते हैं, तो गर्म नहीं गल जाते तो मसाला हो रहा है। आलू पिघलने में बहुत टाइम लगता है तो मैं आलू भी इसी में दे देता हूँ। बस चिकन चिकन गल गया, इसको दे देंगे हम लास्ट में। और आलू भी मसाले के साथ दे दे रहा हूँ क्योंकि आलू गलने में बहुत टाइम लगता है। तो ये फ्राई हो रहा है, इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा पानी दे दे के इसको कर लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा हम पानी देंगे तो ना मसाला थोड़ा ज़्यादा जलेगा नहीं। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी दे देके कर लेंगे और इस पे हम देंगे साबुत एक गोटा लहसुन क्योंकि मैं ये खाती हूँ और ये खाना बहुत अच्छा होता है। पता है ये लहसुन खाने से शरीर का जो दर्द रहता है ना वो बहुत कम होता है। तो ये साबुत लहसुन मैं दे दिया। अभी ये मसाला होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसको हम कसेंगे। अभी ये कस जाएगा उसके बाद हम चिकन लेके कसेंगे। तो चलिए ये मसाला को रख देते हैं, उधर चिकन देंगे तब आपको दिखाते हैं। इधर चावल हो रहा है और उधर उधर तो सो रहा है मुनीश कुमार। खैर ये बोला था आज ट्रॉली गुछाएगा, बोला था हमको जल्दी उठा देना। अभी हम उठा रहे हैं तो नहीं उठ रहा है, अभी बोल रहा है देखा जाएगा। तो ये ट्रॉली नहीं गुछा रहा है और सो रहा है। अभी 5:30 बजने वाला है और उठ के खिड़की खोला और फिर से सो गया। चलो हम बनाते हैं, यहाँ पे इतना सब्जी रखा है अब इसको देखते हैं। ये अभी भी हो ही रहा है। चलो मसाला तो तेल छोड़ रहा है, चिकन छोड़ेंगे ना तब दिखाएंगे। मसाला तो फ्राई हो गया है और अभी बारी बारी ना हम चिकन को छोड़ देते हैं। ये जो पानी है ये बाद में हम दे देंगे, गैस को कर देते हैं फुल। और ये ना हम चला नहीं पाते हैं, बार बार मेरा कढ़ाई जो है वो बिगड़ जाता है। तो ये तो मैं इसको ही बोलता हूँ कि वो कर दे बेज, लेकिन वो उठे तो अब क्या करें, हमको ही करना पड़ेगा। इसको हम कस रहे हैं अभी, अभी बहुत टाइम लगेगा इसको कसते। ये कसे, चलिए अब हो जाएगा इसको तो आप लोगों को दिखाते हैं। अभी से इतना अच्छा स्मेल आ रहा है ना, क्या ही बता है। इसको भी यहाँ पे हम रखते हैं, इसमें पानी भी दे देते हैं हल्दी वाला। थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे, करना पड़ेगा।
थोड़ा थोड़ा पानी देके शुरू कर रहे हैं कि ये जले ना, तो इसको हाई फ्लेम में कुछ देर पका लेंगे, उसके बाद इसको लो फ्लेम करके पानी लेके छोड़ेंगे। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं।